नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ट्रैवल व्लॉग्स। आज की डेस्टिनेशन है मेरा सिद्धबली मंदिर जो कोटद्वार में है। सिद्धबली मंदिर एक हनुमान जी का मंदिर है। यहां पे जनरली संडेज की मान्यता है, संडेज को काफी भीड़ रहती है बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड। यहां पे लॉन्ग वीकेंड भी है तो इसलिए बहुत भीड़ है। मैं आपको दिखा दूं कितनी भीड़ है यहां पे। ये गाइस देखो आप, यहां पे भीड़ कितनी है। थोड़ी देर मैं दिखा दूं आपको भीड़। यहां पे देखो भीड़, काफ़ी देर तक हम लोग स्ट्रगल करते रहे गाड़ी की पार्किंग के लिए। गाड़ी हमने सेफली खड़ी कर दी है और यहाँ पे बहुत लोग जा रहे हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि जो हनुमान जी का दिन होता है वो मंगलवार या शनिवार का होता है, बट यहाँ पे संडेज को ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे तो मंदिर की डेडिकेटेड पार्किंग भी है बट यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो पार्किंग वगैरह लोगों ने पार्क वगैरह यहीं पुल पर कर दी है तो बहुत भीड़ है। तो ये यहाँ की डेडिकेटेड पार्किंग है, कार पार्किंग और टू व्हीलर पार्किंग। अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये पार्किंग है। ये यहाँ पे ठहरने की भी व्यवस्था है, धर्मशाला है यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे। और ये यहाँ पे सारी दुकानें वगैरह जहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। गाइज ये प्रसाद ले लिया हमने यहाँ से। गाइज मैंने प्रसाद ले लिया है ये, और लाइन में लग चुका हूँ। लाइन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और ये मंदिर का एंट्री गेट है जो आप बड़ा वाला देख रहे हो जहाँ ओम लिखा हुआ है। आप देखते हैं कितनी देर में दर्शन होते हैं, आपको भी कराता हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया है, यह जो मंदिर है सिद्धबली मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर है और ये एक नदी है खो नदी जिसके किनारे पे बिल्कुल बना हुआ है और 40 मीटर ऊंची पहाड़ी के टीले पे बना हुआ है। यह मंदिर कोटद्वार में है और कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। वैसे तो इस मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियाँ फेमस है, लेकिन जो एक कहानी है, यहाँ पे एक सिद्ध बाबा हुआ करते थे जिन्होंने यहाँ पे खूब तप साधना करने के बाद हनुमान जी की सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। तब से इस मंदिर का नाम सिद्धबली के नाम से फेमस हो गया। इस मंदिर से रिलेटेड एक और कहानी है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे लक्ष्मण जी के लिए तो कहा जाता है कि वो इसी मार्ग से होकर गए थे और यहाँ बैठ कर उन्होंने पूजा अर्चना करी थी। दोस्तों दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं हनुमान जी के। दर्शन करने के बाद आप परिक्रमा लगा के और यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जला सकते हैं जैसे लोग जला रहे हैं। और अगर आपको कोई मान्यता वगैरह माननी है तो जैसे चुनरी वगैरह लगा रखी है इधर तो चुन्नी लगा सकते हैं, चुन्नी बांध सकते हैं। बाकी मैं पहले जब आया था, काफ़ी साल पहले आया था, तो इधर लोगों ने चुन्नियाँ नहीं बांधी हुई थी तो पीछे का यहाँ पे दिखाई देता था। खोई नदी बहती है यहाँ पे, उस नदी का नाम खोई नदी है। अगर मैं हटाना चाहूँ चुन्नियों को, हटा के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा अगर कुछ विजिबल हो तो। ये गाइस ये खोई नदी जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। लोग यहाँ पे नहाते भी हैं, नीचे देखो आपको दिख रहा होगा नहा रहे होंगे लोग। ये खोई नदी है, यहाँ पे आप, ये नीचे उतरने का रास्ता है
दर्शन करने के बाद यहाँ पे उतर सकते हैं। नीचे और भी मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं भगवान जी की, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये नीचे तक वहाँ तक दर्शन कर सकते हैं। और ये सारी खोई नदी है। 2 साल पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था। गाइस यहाँ पे शनिदेव जी का महाराज का मंदिर है, आप ऊपर जाके दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद उसी प्रांगण में ये रहा। तो भाई लोगों यहाँ पे भंडारा मिलता है, और ये सारी लाइन भंडारे के लिए खाने के लिए लगी हुई है। यहाँ से स्टार्ट हो गई है और वहाँ तक जा रही है ये लाइन। जिन भक्त जनों के पास खाने के इच्छुक हों, जो खाने के इच्छुक हो भंडारा, वो खा सकते हैं। जूम करके दिखाता हूँ, वो नीचे मिल रहा है, ये भंडारा। दोस्तों मैं नीचे उतर के आ चुका हूँ, और नीचे उतर के आके देख रहा हूँ तो मंदिर में लाइन ही गायब हो गई है। जहाँ से हम लगे थे बिल्कुल खाली हो गया है अब यहाँ से मंदिर, और ऊपर से लाइन लगनी स्टार्ट हो गई है। ऊपर तक खाली हो गया है, कोई भीड़ नहीं है। और अगर आपको इस सिद्ध बलि मंदिर में भंडारा वगैरह कराना होता है तो आप भी बुक करा सकते हैं अपना स्लॉट, बट आपका स्लॉट काफ़ी सालों में आके मिलता है वो स्लॉट, क्योंकि यहाँ पे फ्री नहीं होता, ओवर बुकिंग चलती रहती है। यहाँ पे 5 साल 6 साल 7 साल पता करना पड़ता है मैनेजमेंट से कितने कब फ्री है। यहाँ पे मैंने अपने जूते चप्पल दिए थे, तो मैं अपना शूज़ वगैरह पहन लेता हूँ। यहाँ पे ये स्टैंड है, ये मेरी चप्पलें आ गई, तो मैंने चप्पलें पहन ली अपनी। जो मैंने आपको ऊपर से खोई नदी दिखाई थी, ये वही खोई नदी है। यहाँ पे देखिए लोग नहा रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से पानी में पैर डाल डाल के। और अगर आप नीचे जाने के इच्छुक हैं तो यहाँ से नीचे जा सकते हैं, ये लोग जा रहे हैं जो, और वहाँ जाके नहा सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की ओर, और मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चले मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो में। बाय बाय।